शाम का समय हो और आपके यहाँ गेस्ट आ जाए तो फटाफट शाम का स्नैक्स बनाते हैं। उसके लिए एक बॉल लिए, उसमें डाल देंगे एक कटोरी सूजी, उसी कटोरी से हाफ कटोरी बेसन, इसी कटोरी से एक चौथाई चावल का आटा, एक कटोरी फ्रेश मेथी पत्ता ले लिए हैं, इसको अच्छी तरह से चुन के 2-3 पानी से धो लिए हैं। इसको छोटा छोटा पीस में काट लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से। इसमें डाल देंगे कटा हुआ मेथी, इसमें जाएगा हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, तिल 2 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। डो बन के रेडी हो गया है, अब इसको 10 मिनट ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो गया है, डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसको चकला पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, उस तरह से राउंड राउंड कर लेंगे। उसके ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे। सारा को इस तरह से काट लेंगे बराबर बराबर पीसेस में। सारा बना के रेडी कर लिए हैं, अब इसको सेलो फ्राई कर देंगे। उसके लिए तेल हम पहले से गरम करके रखे हैं, उसमें डाल देंगे। दूसरी तरफ से पलट लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। इसी तरह और भी बना लेंगे। बन के रेडी हो गया, अब इसको भी निकाल लेंगे। सारा बना के रेडी कर लिए हैं, अब इसका प्लेटिंग कर लेंगे। बन के तैयार हो गया इवनिंग स्नैक्स। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।